हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है कुछ स्पेशल जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि आज क्या स्पेशल है। तो एक मिनट आप वेट करना। मम्मी आप बताओ आज क्या है, कौन आया आज? हेलो हेलो, आज आज सकरा प्रसिद्ध लेके मेरा भतीजा, मेरी भतीजी आई है। हाँ ये देखो, तो देखो मम्मी कितनी लकी, मम्मी के भतीजा भतीजी मम्मी का आज भी सकरात लेके आते हैं। ये हमारे हरियाणा में एक फेमस फेस्टिवल है जो लोहड़ी पे होता है, मकर संक्रांति को। हाँ देखो इतनी सारी खाने पीने की चीजें और मम्मी के कपड़े सब कुछ आता है इसमें। हेलो नेहा। हेलो। तो तुझे कैसा लग रहा है इतने दिन बाद आप मिले हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा है, सारे बचपन की यादें मेरी ताजा। हाँ हम बचपन में साथ में रहते थे, बहुत खेलते थे हम बहुत ज्यादा। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ बुआ से मिलके, मेरी सारी सिस्टर से मिलके, क्योंकि अब तो इनसे मिलना नहीं होता, शादी होगी बहुत दिनों बाद। सही बात है। मेरा भाई है जो थोड़ा शाही, इसलिए बोला मैं व्लॉग में बोलूंगा नहीं, पर आप इसको देख लो। हेलो तो कर दे ऐसे करके। हाँ तो बस अभी हम ना मूंगफली रेवड़ी एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने अभी खोल ली है और ये जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे टाइम याद आया जब हम छोटे छोटे थे और मम्मी का शिकार करने आता था और हम वेट करते थे कि मामा आएंगे और बहुत सारी खाने की चीजें लाएंगे। खोल देनी है ना अभी, देख इतना सा डिफरेंस है कि अब मामा की जगह हमारे भाई बहनों ने ले लिए, बट वी आर सो हैप्पी। हाँ तो आप में से ना आप कमेंट करके बताना कितने लोगों के घर में, मतलब कितने राज्यों में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारे हरियाणा में तो बहुत फेमस है। तो ये देखो इसमें मूंगफली आती है, रेवड़ी आती है और पॉपकॉर्न। भाई इनू तो बहुत खुश हो जाएगी पॉपकॉर्न देख के। तो ये सारी चीजें होती है, गज्जक भी है। चलो मैं भी एक मूंगफली चख लेती हूँ, बहुत तारीफ हो रही है। रुको देखो कितनी मोटी मोटी मूंगफली है, आपको दिख रही होगी। अपना कल्चर कितना अच्छा है। जब मेरे को ऐसे बोलता है ना मेरी क्लिपिंग डिलीट मार दो, मैं उसको रखती हूँ। अच्छा हाँ, तभी तो फन फन मिलता है लोगों को, है ना। तो अभी हम चूल्हे जला के उसके आगे मूंगफली खा के लोहड़ी का फेस्टिवल मना। हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ घूमने, तो मैं आपको सबसे मिलवा देती हूँ। हम सब रेडी हो चुके हैं और ये देखो ये मम्मी। तो मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। विश्वास विश्वास के मेरे ब्लॉग में आना पसंद नहीं है। और ये देखो ये मेरी सिस्टर की स्मार्ट लग रही है, ज्यादा सुंदर लग रही है, किसने ब्लॉग में दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरे से कोई सुंदर ब्लॉग में आए। और रे भाई इनको भी देख लो, ये रेडी हो चुकी है और ये पीछे इसकी खड़ी इसकी मासी। तो अभी हम आपको ज्यादा बोर नहीं करते और सीधा लेके चलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं और फिर आपको आगे का जर्नी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम निकल गए हैं रॉक गार्डन के लिए, लेकिन आज ना जगह जगह बहुत जाम है क्योंकि आप सब जानते हैं। ये देखो जैसे इन्होंने भी यहाँ स्टॉल लगा रखा थोड़ी था, क्योंकि आज लोहड़ी है और चंडीगढ़ में भी तो बहुत ज्यादा लोहड़ी सेलिब्रेट की जाएगी। तो चलो अभी हम रॉक गार्डन जा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं हम रॉक गार्डन जा रहे हैं, तो रॉक गार्डन जाकर हमसे मिलते हैं। जगह जगह देखो इतना जाम लगा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम रॉक गार्डन पहुंच गए और अभी हम करते हैं पेट पूजा। तो पेट पूजा के लिए मैं आपको क्या बना रहे हो भैया आप ये बोलोगे नहीं? कुलचे बना रहे मैम। हाँ तो देखो बिल्कुल रॉक गार्डन के आगे हम छोले कुलचे अभी हम ये खाने वाले हैं। अच्छा नींबू वगैरह डाल के सब कुछ डाल के, आपका ये धनिया देख के बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी पापा एंजॉय कर रहे हैं क्या मम्मी? ये छोले कुलचे। और ये पता नहीं किस चीज में बीजी, इसको पसंद नहीं आया तो ये कुछ और खाएगी अभी। और ये दो कटोरी चट कर चुकी है। तो पसंद अपनी अपनी। आरू अभी खुश है, आरू बहुत उदास था जब घर से चले, पर अभी इसके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल है। अरे वाह वाह वाह। आप क्या खा रहे हो? तो पिंक पिंक इनू खा रही, पिंक पिंक कॉटन कैंडी। और इसको क्या बोलते हैं? हाँ समर है, कॉटन कैंडी और बुड्ढी के बाल। हाँ कौन कौन इसको बोलता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ हिंदी में बुड्ढी के बाल। तो गाइस फाइनली हमने एंट्री कर ली है रॉक गार्डन में और अभी हम सब इसमें एंजॉय करने वाले और आप बने रहना हमारे साथ, है ना आरू? कोई काम कर। हाँ बोलो। गाइस कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये इनायत क्या कर रही है? कॉटन कैंडी फिनिश। अपने घर के सारे आगे जा चुके क्या? तो गाइस देखो ये कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ पे और सब आगे निकल गया, अब मैं पीछे रह गई हूँ। तो फटाफट सबको फॉलो करते हैं। गार्डन की सबसे खूबसूरत जगह है ये झरना
और मैं यहाँ पे कई बार, और हमने हर बार यहाँ फोटो कराई, तो आपकी बार भी मैं यहाँ फोटो जरूर कराऊंगी, पर मम्मी पापा के साथ में। चलो इनायत, तो दोस्तों यहाँ पर पापा बता रहे थे कि जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे तब पापा सिर्फ 40 ईयर के थे, तो हम बस वही मेमोरीज हमारी याद कर रहे थे कि हम इतने, मतलब फर्स्ट टाइम अपने पापा के साथ आए थे और अब इतने सालों के बाद हम दोबारा अपने पापा के साथ रॉक गार्डन घूमने के लिए आए थे, तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब हम यहाँ से दोबारा उसी झरने पे पहुंच गए। तेरे आरू मेरे ब्लॉग में फिर से स्माइल दे रहा है, और जो तेरे पापा ने तेरा चेहरा घुमा दिया, आरू मेरे ज्यादा व्यूवर ना बन जाए। अरे देखो मेरे आलू का चेहरा। हेलो गाइस, प्लीज फॉलो नमो नेचर अकाउंट। My ID is not Namo Nature. Namo Nature is these both guys' ID. My ID is Ninu Inu World. What is part of English? एक नजारा मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ, और ये तो मेरे पीछे ही रहती है। चलो इनायत, और ये भी आज मेरे ब्लॉग में सबसे ज्यादा ये दोनों कैप्चर हो रहे हैं। चलो चलो, तो देखो कितना धूप अंधेरा, सिक्योरिटी के रूप में चलते हैं। तो आप देख रहे हो कितना अंधेरा है, ये देखो जी नहीं गाइस, मैं अंधेरे से ये देखो से गुजरना पड़ेगा, रॉक गार्डन आओगे तो। गाइस कैसे पेड़ बना रखे हैं ये, नहीं नहीं इसकी जड़ें ऐसे ही निकली हैं, ये तो पेड़ ही है। अब फिर से मेरे ब्लॉग में यही चेहरा। तो नमो नेचर ब्लॉग को जरूर फॉलो करें, इसका ब्लॉग आपको हम दोनों। और आपकी आईडी क्या है? बहुत सारी हर्डल पार करनी पड़ी। आरू पूरी मस्ती के मूड में है। तो गाइस देखो ये जो बोल है ना, ये टूटे हुए चीनी मिट्टी के कप प्लेटों से बना है। डोल म्यूजियम, यहाँ पे ना बहुत तरीके के डोल्स बना रखे हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे। अमर कैसे अपनी छोटी बहन को पकड़ के ला रहे हैं। तो अभी मैं इनको क्या दिखाने लाई हूँ, डोल म्यूजियम। तो इनायत बहुत एंजॉय कर रही है। चलो 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 चलो, ये देखो कितने सारे डोल, किन को देख लिया है। हाँ वो इधर ही से फोटो खींची होंगी उन्होंने। तो ये मोर यहाँ पे बैंगल से बना रखे हैं। तो वहाँ वहाँ पे एक और, अरे वहाँ पे एक और झरना था। इन्हू देखो तो मम्मी कल झगड़ा करे थे, नाम लिखा देख रही है, अच्छा लग रहा है, कितना लंबा है ना वो है, ये लकड़ी वैसे डाल दो। हाँ हाँ लिए मैंने सारी चीजों के लिए। ये देखो भाई, ये ना बजरी के पत्थर है मम्मी, पत्थरों से कितनी सुंदर कलाकृति बना रखी है, मटके भी मिली थी। ये बनाई है बेटा, ये सारी चीजें हाथों से बना रखी है, और पुरानी वेस्ट चीजों से, जैसे मम्मा करती है ना क्राफ्ट। मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी वीडियो कौन बना रहा है। थक गई थी तो इनू कहाँ चढ़ गई, इनू गोदी नी पद्दी चढ़ गई है। हाँ बेटा मैं यही हूँ, मैं तो उसको शूट करी थी।
चलो समर के शूज खुल गए भाई। इन्होंने अपनी मैया को पूरा थका दिया, देखो कैसे पद्दी चढ़ी हुई है क्योंकि इन्हें थक गई है। हम ना एक्चुअली हमारे साथ क्या हुआ तो मैं बताते हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई, हमने गलती से ना एग्जिट कर दिया और हमने एक बहुत अच्छी जगह देखी नहीं तो हम वापस एंट्री करी, इसलिए हम दोबारा उसी जगह पे आए हैं। देखो तो अभी हम बच्चे बच्चे आए हैं, बाकी सब घर वाले बाहर ही रुके हैं तो हम फटाफट जाते हैं, वो अच्छी सी जगह आपको भी दिखाते। वो आपने गोल्डफिश देखी? चलो 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 आ जाओ जल्दी से आ जाओ। तो बच्चे यहाँ पे ले रहे झूले का मजा, ये रही इनू और ये रहा एहसास। एहसास आर यू एंजॉयिंग? और ये डर रहा है भाई, विश्वास डरता है, हमारा सबसे बड़ा बच्चा डरता है थोड़ा, इसका ना धड़कन ऐसे हो रहा है। और ये हमारा सबसे प्यारा बच्चा समर, आर यू एंजॉयिंग? ये तो मैं भी झूले झूल चुकी हूँ, मैंने तो बस रील शूट की थी। एक्चुअली मुझे भी डर लगता है झूले पे। ये समर है, वो वाशु है, वो पारी है और वो रही इनू। तो ये देखो सारा ना लीप के बनाया, जैसे गांव में होता था कच्ची मिट्टी के घर, है ना? तूने तो देखे नहीं होंगे, मैंने भी नहीं देखा। चलो चलो सीधे चलो सीधे चलो चलो इनायत। ये तो मेरा आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।